ओके अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर नेशनल स्टेडियम से पीएसएल की अपडेट्स के साथ हाजिर हुआ है शुएब जट। और यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। इफ्तिताही मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेलना है क्वेटा ग्लैडिएटर जो दिफाई चैंपियन है उसके खिलाफ इसी नेशनल स्टेडियम कराची में, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं। एक अच्छी बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो इनिशिएटिव लिया है, हमें और आपको इसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए, मैं ज़रूर कर रहा हूँ। हमें अपनी कौमी ज़ुबान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही होगा। आपको याद होगा गुज़िश्ता दिनों अदालत से एक हुक्मनामा भी जारी हुआ था लेकिन शायद उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ कि कॉरस्पॉन्डेंस जो है जो ख़तो किताबत है वो उर्दू में की जाए। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये अच्छा काम किया है कि इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी शर्ट्स पे, ये प्रैक्टिस शर्ट्स पे नाम जो हैं वो उर्दू में तहरीर हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की शर्ट्स के नाम जो हैं वो उर्दू में तहरीर हैं, इनके जो भी प्लेयर्स हैं, फॉर्मर प्लेयर्स भी हैं जिसमें रॉन्की हैं, दूसरे जो इनके सॉल्ट हैं, जो भी प्लेयर्स हैं उनकी शर्ट्स के पीछे नाम जो हैं वो उर्दू में तहरीर किए गए हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको सराहना चाहिए, दीगर टीमों को भी ये करना चाहिए था, लेकिन चलें अच्छी बात है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और फिलहाल ये सिर्फ प्रैक्टिस शर्ट तक महदूद है, उसकी वजह ये है कि जो मैचेस जब ब्रॉडकास्ट हो रहे होते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी तो मैच नहीं देख रहे होते ना, बाकी दुनिया में भी लोग मैच देख रहे होते हैं इसको, तो उनकी शर्ट्स के पीछे इंग्लिश में वो नाम सिर्फ इसलिए लिखे होते हैं ताकि प्लेयर्स जो है वो रिकगनाइज हो सके, क्योंकि प्रैक्टिस सेशंस पाकिस्तान में ही हो रहे हैं इसलिए इनकी शर्ट्स के पीछे उर्दू में नाम लिखे हुए हैं कि कोई जो है वो क्रिकेट शाइक अगर इनको प्रैक्टिस करता हुआ देख रहा हो और अगर वो इंग्लिश नहीं जानता तो वो इनकी शर्ट्स के पीछे उर्दू में लिखे हुए नाम से इनकी जो है वो पहचान कर सके, इनको अपने हीरो को पहचान सके। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया है यहाँ पे, के नाम जो हैं वो उर्दू में तहरीर किए हैं। फुल स्विंग के साथ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड यहाँ आ चुकी है, शादाब खान भी हैं यहाँ पे, कोच मिसबाह उलग भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं, अहमद भी हैं, माद भी हैं, और अगर हम बात करें रिजवान भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इनके फॉर्मर प्लेयर्स जो हैं कौरी भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो ऑफिशियल्स में आते हैं उनके, फिर जो है वो लॉन्ग रॉन्ची जो हैं वो भी हैं, रॉन्की भी कहते हैं, और बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं, ज़फ़र गौर भी नज़र आ रहे हैं, साहिबजादा सुल्तान भी, साहिबजादा तो मुझे अभी नज़र नहीं आए, बहरहाल शादाब भी हैं, मूसा भी हैं, तो ये सारे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी तैयारियाँ जारी हैं। कल सुबह नेशनल स्टेडियम मतलब पीसी होटल में इनकी मीडिया इंटरेक्शन है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आज कराची किंग्स और पिशावर जलमी का हुआ था। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर गालिबन कल जो है वो सेशंस करेंगे। यहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा है, इतने अच्छे मौसम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको भरपूर तैयारी का मौका मिलेगा। ये नेशनल स्टेडियम तो मलहका प्रैक्टिस एरिया है जिसकी 9 विकेट्स हैं इस टाइम, और इन 9 विकेट्स में से 3 पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक पे प्लेयर जाके जो है वो अपनी नॉकिंग वॉकिंग कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं अभी आपको बता रहा था, अगर मैं आपको दिखा सकूँ कि ये रॉन्की और इनग्राम गालिबन जा रहे हैं, तो आप इनग्राम की भी शर्ट पे देखेंगे तो पीछे जो है वो उर्दू में, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी शर्ट के पीछे उर्दू में लिखा हुआ है, इसी तरीके से वहाँ रॉन्की खड़े थे उनकी शर्ट के पीछे भी उर्दू में लिखा हुआ था। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कौमी ज़बान को जो है वो अहमियत देने का और उजागर करने का। हम सबको भी ये चाहिए कि हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें जो है वो कौमी ज़बान की अहमियत को समझते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस भी करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। तो हैट्स ऑफ टू द इस्लामाबाद जिन्होंने ये काम लिया है। चलते हैं, आपको लेके चलता हूँ दूसरी जगह, वहाँ पे कौन प्रैक्टिस कर रहा है दिखाता हूँ। हाँ इसके साथ बनवा लें यार, अम्मी से बोल के आया यार मैं बनवा क्या हूँ। नहीं, नहीं।
चल बेटा यार अभी आपके रुक सारा काम जुकरुम क्या फैसला किया यार चल अब छोड़ वॉक नहीं करते मैं यूनिवर्सिटी में इकट्ठा वॉक करेंगे आगे बना फोकस अशरम वेलकम इन पाकिस्तान
तो वो स्ट्रेचिंग का कोई मदखल नहीं होता इंजरी में, वो स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है आपको बॉलिंग के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फिट हूँ। एज यू गाइस नो, आप वीडियोस भी देखते हो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले मैच से, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि मैं अवेलेबल हूँ पेशावर जर्मी के लिए। इमाम आपसे सवाल ये है कि कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तान टीम के लिए एक मिमिक्री की थी, शान मसूद थे, आप थे, वो थी जेब से, बिल्कुल रेजिमेंट लेके आऊंगा, उन्होंने भी जेब से पर्चा निकाला और आपने इशारा किया कि मैं आई डोंट नो, लोग ऐसे कह रहे हैं कि आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया पर्ची वाला मामला, तो पीएसएल में पेशावर जर्मी में आप समझते हैं कि आपको जस्टिफाई करते हैं और इसके जरिए आप वर्ल्ड कप तक के लिए अपनी जगह हासिल कर लेंगे? जी सर, बिल्कुल, मेरे ख्याल से पेशावर जर्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया लास्ट ईयर और अल्लाह ताला ने परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी कराई थी, तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि पेशावर जर्मी से खेलूँ या पाकिस्तान से, जितनी मेरे में कैपेबिलिटी है मैं उतना परफॉर्म करूँ, और अप्स एंड डाउन्स क्रिकेट का हिस्सा है, और तो मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान हो पेशावर जर्मी हो, जो मेरी इंटेंसिटी है हमेशा हाई हो, और पाकिस्तान के लिए या पेशावर जर्मी के लिए दोनों के लिए अच्छी परफॉर्म। वो पर्चे वाले की क्या स्टोरी थी? सर वो बिल्कुल मेरा मजाक था, और जहाँ तक रही बात पर्ची वाली बात, तो वो किसी से छुपी जगह है नहीं, तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, आप लोग भी एंजॉय करते हैं और हम सब एंजॉय करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू।